गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कल मैंने एक्सप्लेन कर दिया था इंजेक्टिव एंड बाइजेक्टिव फंक्शन वन वन और ऑन टू कैसे वन वन ऑन टू कैसे होते हैं फंक्शंस, उनकी डेफिनेशन क्लियर कर दी थी और बहुत सारी चीज़ें बताई थी, कैसे कोडोमेन एग्जॉस्ट होता है तो ऑन टू होता है, डोमेन एग्जॉस्ट होता है तो वन वन होता है। अब बात करेंगे बाइजेक्टिव कब होता है फंक्शन। बाइजेक्टिव तब होगा जब वन वन एंड ऑन टू दोनों हो जाएगा, जब दोनों हो जाएगा फंक्शन कोई बाई, तब उसको बोलेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन, क्योंकि सर्जेक्टिव बोलते हैं ऑन टू को और इंजेक्टिव बोलते हैं वन वन को, दोनों मिक्स अगर होगा तो हम उसको बोलेंगे कि फंक्शन क्या है बाइजेक्टिव, क्या है बाइजेक्टिव। ठीक है, अब कुछ बात करते हैं रियल नंबर के बारे में, जो आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं क्लास टेंथ में। रियल नंबर एक्चुअली दो फॉर्मेट में डिवाइड होता है, एक डेसिमल फॉर्म, इसके बारे में जानना ज़रूरी है क्योंकि हम जब क्वेश्चन लगवाएंगे इंट्रो देंगे अभी 1.2 का, तो ये सारी चीज़ें जाननी ज़रूरी है। नॉन, एक होता है नॉन डेसिमल फॉर्म। नॉन डेसिमल फॉर्म में बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, डेसिमल फॉर्म में आपका रेशनल भी आएगा और इरेशनल भी आएगा। ठीक है, नॉन डेसिमल फॉर्म में सारे आ जाएंगे इंटीजर्स, -4 -3 -2 से 1 1 2 3, और होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है 1 2 3 सो ऑन, और नेचुरल नंबर। तो इसके बारे में जानकारी चाहिए थी आपको। रेशनल नंबर क्या होता है, अगर इसकी डेसिमल फॉर्म की बात करें तो दो कंडीशन होती है रेशनल नंबर की, एक टर्मिनेटिंग 9th में आप लोग पढ़ लेंगे और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, रिपीट है अगर कैंसिल आउट ना हो तो। इसका एक ही कंडीशन होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे, एक बार देख लीजिएगा। रियल नंबर इस तरह से दो फॉर्मेट में डिवाइड होता है, एक डेसिमल फॉर्म एक नॉन डेसिमल फॉर्म। अब रियल नंबर के बाद बात करते हैं, कुछ फंक्शंस लिखते हैं जिसमें आप बताएंगे वन वन है या ऑन टू है। जैसे हम बताते जाते हैं आपको, जैसे 1 2 3 4 इस तरह से दिया हुआ है, यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ है। ठीक है, 3 का रिलेशन डी से है, 4 का रिलेशन 1 का रिलेशन ए से है, 2 का रिलेशन बी से है, और ये आपका 4 का रिलेशन सी से। ठीक है, तो ये हो गया आपका कोडोमेन एग्जॉस्ट नहीं हो रहा है बट डोमेन एग्जॉस्ट हो रहा है, तो ये 1 1 हो गया, 1 2 में ऑन टू नहीं। ठीक है, 1 1 है ऑन टू नहीं। इसी तरह से एक और फंक्शन लिखते हैं, ये इंट्रो है 1.2 का, 1 2 3 4, और यहाँ है ए बी सी डी ई एफ। यहाँ पे देखिएगा 1 का भी बी से है, 2 का भी बी से है, 3 का सी से है और 4 का डी से है। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है दो इमेजेस की, दो एक्स पुट करने पे एक सिंगल वैल्यू मिल रही है, इसका मतलब मेनी वन फंक्शन हो गया। ये 1 1 नहीं है, 1 1 नहीं है, मेनी वन है ये, क्योंकि दो लोगों की सेम इमेज बन रही है, 1 का भी बी बन रहा है और 2 का भी बी बन रहा है, मतलब 1 1 पुट करने पे वैल्यू बी आ रही है, एक इमेज मिला 1 का, 2 पुट करने पे वैल्यू क्या आ रही है, बी आ रही है। ठीक है, ये हो गया मेनी वन। हाँ, 1 पुट करने पे बी नहीं आ सकता था, 1 पुट करने पे सी नहीं आ सकता था, ऐसा नहीं है 1 पुट करने पे दो दो वैल्यू आ जाए। ठीक है, दो वैल्यू पुट करने पे एक वैल्यू सिंगल वैल्यू आ सकती है, इमेज आ सकता है इसको, ये ना 1 1 है ना ऑन टू है, ये मेनी वन है। ठीक है, ऑन टू भी नहीं क्योंकि इसका कोडोमेन एग्जॉस्ट नहीं है, कोडोमेन एग्जॉस्ट नहीं है। चलिए, दो तीन करोड़ बनाता हूँ। अब चलिए इसको बताइए फंक्शन क्या है। 1 2 3 4 ए बी सी, यहाँ देखना 1 का भी ए है, 2 का भी ए है, 3 का बी है और 4 का सी है। यहाँ देखो मेनी वन है,
मतलब दो लोगों का एक सेम इमेज मिल रहा है, मतलब वन का भी ये मिल रहा है, दो लोगों का सेम इमेज मिल सकता है लेकिन एक लोगों का दो इमेज नहीं मिल सकता। मेनी वन हो गया, और आन टू इसलिए है क्योंकि इसका को डोमेन एग्जॉस्ट है, चेक कर लो। ठीक है, नेक्स्ट देखना, वन टू थ्री फोर, अभी क्वेश्चन भी कराते हैं, ए बी सी डी, वन का बी भी है, टू का ए है, थ्री का सी है और फोर का डी है। यहाँ पे देखो ये वन वन भी है क्योंकि डोमेन एग्जॉस्ट है, और ऑन टू भी है क्योंकि को डोमेन भी एग्जॉस्ट है, यानी ये इसको हम बोल सकते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन, क्योंकि ये फंक्शन ऑन वन वन भी है और ऑन टू भी है। तो ये हो गया, उसके बाद ये क्वेश्चन देखिए, शो दैट फंक्शन नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, यानी इसका डोमेन भी नेचुरल नंबर है और को डोमेन भी नेचुरल नंबर है। गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स इज नॉट बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव नहीं होने का मतलब क्या हुआ कि क्या तो वो ऑन टू होगा या वन वन होगा, इन दोनों में से एक ही चीज़ होगी, और दे भी दिया है कि वन वन है लेकिन ऑन टू नहीं है, इसको हमको प्रूफ करना है। तो देखो इसको कैसे वन वन प्रूफ किया जाता है, अभी क्लियर हो जाएगा सारी चीज़। देखो वन वन प्रूफ करने के लिए हम दिखाते हैं कि इमेजेस जो हैं वो सेम है एक्स वन और एक्स टू, और हम जब दिखा देते हैं ये इमेजेस सेम हैं, तो अगर हम दिखा दें कि x1 और x2 अलग अलग नहीं है, ये भी सेम है, तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन क्या है, वन वन है। जैसे एक दिमाग लगाओ थोड़ा सा, देखो हम कह रहे हैं कि ये फंक्शन जो है एफ एक्स वन और एफ एक्स टू सेम पॉइंट पे ही है, मतलब फंक्शन जो है एफ एक्स वन जो है वो सेम पॉइंट पर ही है, मतलब एफ एक्स वन और एफ एक्स टू सेम ही पॉइंट पे कोलैप कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये आ गया एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू। अब अगर एक्स वन और एक्स टू दो पॉइंट्स हमने लिए हैं, इन दोनों का सेम इमेज है, और अगर हम दिखा दें कि एक्स वन एक्स टू भी सेम है, तो हमारा फिगर कुछ इस तरह से हो जाएगा, एक्स वन एक्स टू यहीं हो जाएंगे, एफ एक्स वन और एफ एक्स टू भी यही हो जाएगा सेम पॉइंट पे, तो वन वन हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो इसको हमको मेनी वन को दिखाना होता है, मेनी वन है ना ये, इसको दिखाना होता है कि ये वन वन कब हो रहा है, तो वो कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो फॉर वन वन हम प्रूफ करने जा रहे हैं, फॉर वन वन ध्यान से देखना, ये नोट भी कर सकते हो, ये मैंने एक व्यू दिया है, एफ एक्स वन और एफ एक्स टू इक्वल लेके चलेंगे और दिखा देंगे कि एक्स वन अगर एक्स टू के इक्वल है तो सेम पॉइंट पे आ जाएगा, तो वन वन मैपिंग हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं, एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू दिया हुआ है, ये हमेशा ये इक्वल करके चलना है आपको, अगर वन वन प्रूफ करना है तो एफ एक्स वन, अगर यहाँ देखें एफ एक्स वन क्या हो जाएगा टू एक्स वन, और एफ एक्स टू क्या हो जाएगा टू एक्स टू, बाई डेफिनेशन होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अब देखो दोनों इक्वल होंगे, 2x1 इज इक्वल टू 2x2, 2 से 2 कैंसिल, देखो आ गया कि नहीं, x1 इज इक्वल टू x2, हमने दिखा दिया कि ये मेनी वन मैपिंग नहीं है, क्या है, वन वन मैपिंग है, जब x1 x2 सेम पॉइंट पे आ जाएगा तो इसकी मैपिंग सेम हो गई, यानी वन वन मैपिंग एग्जिस्ट कर रहा है। अब हमको शो करना है ऑन टू, जो थोड़ी सी टेढ़ी खीर है लेकिन समझ में आएगा, हम इस तरह से क्लियर करेंगे कि आप क्वेश्चन चुटकियों में कर लेंगे सारे 1.2 के। ठीक है, चलिए बात करते हैं, इसको नोट करिएगा, फिर 1.1 के बाद हम ऑन टू शो करते हैं कि ये है नहीं। ऑन टू शो करने के लिए बस एक कंडीशन पर्याप्त है, अगर ऑन टू को शो करना है कि ऑन टू है तो उसके लिए सबको दिखाना पड़ेगा, लेकिन नहीं है दिखाने के लिए बस एक वैल्यू काफ़ी है। ठीक है, ये रिलीज करता हूँ। अब देखो ऑन टू की एक डेफिनेशन हमने दी थी कि वाई की हर वैल्यू फॉर ईच, एक डेफिनेशन ध्यान से देखना, वाई इज बिलोंग्स टू वाई, ठीक है, कोडोमेन में अगर है, देयर इज एक्स बिलोंग्स टू एक्स सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, मतलब वाई इमेज कुछ ना कुछ अगर वाई में है, जो इमेज किसी न किसी एक्स की ज़रूर होगी जो एफ एक्स इज इक्वल टू वाई देती होगी, मतलब फंक्शन में एक्स की वैल्यू पुट करने पे वाई ज़रूर मिलती होगी क्योंकि एक्स एलिमेंट है एक्स का, ये ज़रूर होना चाहिए। फॉर ईच वाई बिलोंग्स टू वाई
देयर इज एक्स बिलोंग्स टू एक्स सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई. ये एक्स जरूर होना चाहिए, ये वाई जो इसमें मौजूद है सेकेंड वाले सेट में नेचुरल नंबर के, इसमें इमेज जो मिल रही है वो किसी न किसी एक्स की इमेज जरूर होनी चाहिए. मतलब कोडोमेन पूरा पूरा एग्जॉस्ट होना चाहिए जिसपे एक्स की वैल्यू पुट करने पे वाई मिल रहा है. तो ये दिमाग में होना चाहिए आपके. अब ये नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक का सेट है, ध्यान से देखना. नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक का सेट है. अगर हम यहाँ से ये दिया हुआ ना एफ एक्स को हमेशा जब ऑन टू प्रूव करना होगा या नहीं प्रूव करना होगा तो एफ एक्स को वाई लेट कर लेंगे और एक्स को ले लेंगे वाई के टर्म में. एक्स को सब्जेक्ट बनाएंगे, एक्स को सब्जेक्ट बनाएंगे, हम लिख सकते हैं वाई बाई टू, बिल्कुल लिख सकते हैं. एफ एक्स को वाई के इक्वल लिख सकते हैं, वाई टू एक्स के इक्वल है तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी. जब भी ऑन टू प्रूव करेंगे आप y इज इक्वल टू एफ एक्स होता है, एफ एक्स की वैल्यू दी हुई है, यहाँ से x को सब्जेक्ट बना लेंगे. ठीक है, अब हम चेक करते हैं जरा. वन पुट करने पे इमेज क्या मिला होगा, टू. टू पुट करने पे फोर, थ्री पुट करने पे सिक्स, फोर पुट करने पे एट. नेचुरल नंबर लेना है. ठीक है, फाइव पुट करने पे क्या मिलेगा, टेन. क्या मिलेगा, टेन, सॉरी. y पुट करने पे 10 मिलेगा, ध्यान से देखना. अब देखना y की वैल्यू को अगर हम 1 लेते हैं, y की वैल्यू को अगर हम 1 लेते हैं तो जो कि नेचुरल नंबर में है, ठीक है, होना चाहिए. अगर हम यहाँ 1 ले लें, ठीक है, y की वैल्यू को 1 नेचुरल नंबर होता है ले सकते हैं, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2. यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, 1/2. क्या ये नेचुरल नंबर में एग्जिस्ट करेगा, क्या ये नेचुरल नंबर में एग्जिस्ट करेगा, जी नहीं. तो फॉर ईच y बिलोंग्स टू n, यानी 1 बिलोंग्स टू n, देयर इज नो x इन नेचुरल नंबर. फॉर 1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर या कोडोमेन, देयर इज नो x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, मतलब 1/2 इज नॉट नेचुरल नंबर, हेंस, ठीक है, कोई भी x बिलोंग नहीं करेगा जो कि 1/2 बिलोंग नहीं करेगा जो कि नेचुरल नंबर है. और इसके बाद हम क्या लिखेंगे, इन डोमेन, सो दैट इन डोमेन, सो दैट f 1/2 इज इक्वल टू 1. 1/2 पुट ही नहीं कर पाओगे कि तुमको वैल्यू क्या मिल जाए, 1. कोई x में 1/2 एग्जिस्ट ही नहीं करेगा क्योंकि ये नेचुरल नंबर का सेट है डोमेन, इसलिए ये वैल्यू सेटिस्फाई नहीं होगी. इसलिए ऐसा कोई x नहीं मिलेगा जिसकी इमेज 1 होगी, ऐसा कोई 1/2 नहीं मिलेगा डोमेन में जिसकी इमेज 1 होगी. बात समझ में आ रही है, ऐसा कोई x 1/2 नहीं मिल रहा है इसमें क्योंकि ये नेचुरल नंबर का सेट है डोमेन जिसकी इमेज 1 होगी. 1 तो नेचुरल नंबर है लेकिन कोई x नहीं मिल रहा है जिसकी इमेज 1 है, इसका मतलब ये ऑन टू नहीं है. देयरफोर दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू, और फिर लिख सकते हैं इट इज़ ओनली 1/1 बट नॉट ऑन टू, हेंस इट इज़ नॉट बाइजेक्टिव फंक्शन. बात समझ में आ रही है, चलिए. तो इसके बाद मैं आप लोगों को और क्वेश्चंस लगवाऊंगा, 2-3 एग्जांपल्स और शो करने होंगे. उसके बाद मैं 1.2 एक्सरसाइज भी लेकर चलूंगा, फिर आपका इन्वर्टिबल फंक्शन जो भी है, प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सारे एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप 1.3 के लिए भी अग्रसर हो सकें. ठीक है, तब तक के लिए इतना ही, इतनी बात चीज़ों पे गौर करिए, इसको समझिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं. देखिए 1/1 और 1/2 को प्रूफ करने का यही एक तरीका है. जब भी 1/1 प्रूफ करना होगा हम इमेज को इक्वल लेंगे और दिखा देंगे वो दोनों इमेजेस मेनी 1 के नहीं हैं बट 1/1 है, x1 x2 के इक्वल है, तब हम मानेंगे कि 1/1 है. ऑन टू लेने के लिए y ऐसा लेंगे, y को सब क्या कहते हैं, x को सब्जेक्ट बनाएंगे और y की वैल्यू ऐसा लेंगे जो कोडोमेन में हो. नहीं दिखाने के लिए बस एक वैल्यू काफ़ी है, लेकिन दिखाने के लिए सारी वैल्यू सेटिस्फाइड होनी चाहिए. तो वाई एक्स को सब्जेक्ट बनाएंगे ऑन टू दिखाने के लिए, उसके बाद वाई की वैल्यू ऐसी एग्जिस्ट करेंगे कि वो किसी न किसी एक का इमेज जरूर होना चाहिए डोमेन के साथ, को डोमेन पूरा पूरा एग्जॉस्ट हो जाना चाहिए तभी ऑन टू होगा फंक्शन. इसी बेसिस पे चलना है और हमें क्वेश्चन लगाना है. ठीक है, ओके, गुड डे टू ऑल ऑफ यू.